अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 18 लेक्चर नंबर 2। और आज के लेक्चर के अंदर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स और उसकी दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशनल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दोनों को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। बेटा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर नॉर्मली एक चिप की सूरत में बनाया जाता है। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का काम क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैथमेटिकल ऑपरेशंस को इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करने की अहलियत रखता है। और इसकी नॉर्मली जो चिप बनाई जाती है उसको IC741 का नाम दिया जाता है। ये 8 पिन पैकेज है। इसकी 8 आउटपुट के ऊपर पिन हमें देखने में मिल रही होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये उसकी पिन है। हम इसकी जो सिम्बॉलिक डायग्राम बनाते हैं वो कुछ इस तरह से आपको देखने में नजर आएंगी, जिसकी लेफ्ट साइड पर ये जो वर्टिकल लाइन है इसी साइड पर आपको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का साइन देखने में मिलता है। नेगेटिव स्टैंड्स फॉर इन्वर्टिंग इनपुट एंड पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इन इनपुट्स का मतलब क्या है? बेटा, इन्वर्टिंग वाले इनपुट पर अगर आप कोई सिग्नल अप्लाई करते हैं तो आउटपुट पर आते हुए वो मैग्नीफाई तो होता ही होता है, लेकिन उसमें 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आ जाता है। मतलब उसका क्रस्ट ट्रफ बन चुका होता है और ट्रफ क्रस्ट बन चुका होता है। इसी तरीके से अगर मैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल की बात करूं, जिसको हम प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पर जो सिग्नल इनपुट के तौर पर दिया जाता है वो आउटपुट पर बगैर किसी फेस शिफ्ट के अपीयर होता है, हाँ मैग्नीफाई हो चुका होता है। तो ये आपके पास कंडीशंस रहेंगी इन दोनों के, दोनों इनपुट्स और उनके आउटपुट्स के दरमियान कॉम्बिनेशंस में। आगे चलकर हम इसकी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। आइए हम जरा कुछ ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इन डेप्थ करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तो ये आपके पास उसकी शेप है, डायग्राम है। पहली करेक्टरिस्टिक है उसकी इनपुट रेजिस्टेंस। बेटा, जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इनपुट्स के दरमियान में लगी हुई होती है। और ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है नॉर्मली जिसको हम आर इन से जाहिर करते हैं, दिस इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होती है। टिपिकली अगर मैं बात करूं तो इसका ऑर्डर मेगा ओम्स में होता है, मतलब 10^6 ओम्स के अंदर इसकी वैल्यू होती है, वेरी लार्ज। और इस लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से हमें एक बात बहुत श्योर हो जाती है कि वो करंट जो इन्वर्टिंग टर्मिनल में फ्लो हो रहा है या वो करंट जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में फ्लो हो रहा है वो नॉन इन्वर्टिंग से इन्वर्टिंग की तरफ और इन्वर्टिंग से नॉन इन्वर्टिंग की तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि रास्ते में हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मौजूद है। इस बात का मतलब है कि इन्वर्टिंग करंट भी जीरो होता है और नॉन इन्वर्टिंग करंट भी जीरो होता है। क्यों, ऐसी क्या वजह बनी? क्योंकि उनके रास्ते में इनपुट रेजिस्टेंस मेगा ओम्स की लगा रखी है हमने, ठीक है जी। प्रैक्टिकल केसेस में इससे भी ज्यादा होती है, टिपिकली हम उसको मेगा ओम्स के ऑर्डर में ले लेते हैं। और क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसकी वजह से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यहां पर जनरेट होती है, द वोल्टेज एट द नेगेटिव टर्मिनल एंड द वोल्टेज एट द पॉजिटिव टर्मिनल। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो ना हो रहा हो तो उस पाथ के दरमियान, उस पाथ पर जो दो पॉइंट्स होते हैं जिस पाथ में से करंट नहीं गुजर रहा, उस पाथ के दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल एक जैसा होता है। क्योंकि इसमें से करंट नहीं गुजर रहा तो वी नेगेटिव और वी पॉजिटिव हमेशा सेम पोटेंशियल के ऊपर कंसिडर किए जाते हैं। वजह क्या है? बिकॉज नो करंट फ्लोज बिटवीन द इनपुट टर्मिनल्स ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो दो कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चल गई हैं कि वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव का पोटेंशियल हमेशा एक जैसा होगा और दोनों में फ्लो करने वाला करंट इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का करंट जीरो होगा ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि आउटपुट रेजिस्टेंस आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल के दरमियान अटैच होती है। दिस इज आर आउट, आर आउट से इसको हम शो करते हैं। और ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस है जो ग्राउंड और आउटपुट टर्मिनल के दरमियान में अटैच है, बेटा इसकी वैल्यू इंतहाई कम होती है। कितनी कम? फ्यू ओम्स, 2, 4, 10 ओम्स के करीब करीब इसकी वैल्यू होती है। और इसकी कम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का फायदा यह है कि मैक्सिमम वोल्टेज हमें आउटपुट टर्मिनल पर मिल सके। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन लूप गेन। और ओपन लूप गेन को डिफाइन करने का, डिस्क्राइब करने का तरीकेकार क्या है? ओपन लूप गेन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज। अच्छा, ये जो डिफरेंस है ना इनपुट वोल्टेजेस का, क्योंकि आमतौर पर हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर कर रहे होते हैं, तो पॉजिटिव इनपुट में से आपने नेगेटिव इनपुट को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब पॉजिटिव सिग्नल माइनस माइनस नेगेटिव सिग्नल होगा तो ओवरऑल आंसर आपके पास पॉजिटिव में ही आ रहा होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव आउटपुट चाहिए होती है, पॉजिटिव वैल्यूज को हम नॉर्मली कंसीडर कर रहे होते हैं। तो हम नॉर्मली पॉजिटिव में से नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ना कि नेगेटिव में से पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट करें। In general, the open loop gain is defined as the output divided by the difference of inputs. और difference हमेशा positive में से negative को subtract करके लिया जाएगा। ये जो open loop gain है बेटा, इसकी condition क्या है? Open loop gain आपने उस सूरत में find करना है जब
इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल के दरमियान बाहर से आपने कोई डिवाइस नहीं अटैच की भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इनपुट से आउटपुट की तरफ आपने कोई रेजिस्टेंस या कोई भी डिवाइस कोई वायर अटैच की हो, अगर आपने इनपुट और आउटपुट के दरमियान एक्सटर्नली कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं की, कोई वायर कनेक्ट नहीं की, तो ये इस वक्त ओपन लूप सर्किट कहला रहा है और इसकी जो गेन है उसको ओपन लूप गेन कहा जाता है, जिसको हम AOL से शो करते हैं। बेटा ओपन लूप गेन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10^5 के ऑर्डर में होता है, विच इज वेरी हाई। इस बात का मतलब ये भी है कि अगर आपके पास एक स्मॉल सी भी इनपुट होगी, मे बी 1 वोल्ट की है, तो वो जब 10^5 के ऑर्डर से जाकर मल्टीप्लाई होगी, 1 × 10^5, तो आपके पास एक आउटपुट की बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, और इतनी बड़ी वैल्यू जिससे एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सैचुरेट भी कर जाता है। मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर नॉर्मली लो वोल्टेजेस के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो अगर आप उसको हजारों वोल्ट्स दे देंगे तो वो सैचुरेट कर जाएगा, उसके आउटपुट सैचुरेट कर जाती है। बहरहाल उससे बचने का तरीके का क्या है, हम उसकी तरफ भी आते हैं। There is one more characteristic, biasing voltages. Biasing voltages क्या है बेटा? Biasing voltages को डायग्राम पे अगर शो करना है तो हम ऐसे करते हैं, ऊपर की तरफ एक लाइन लगाकर यहाँ पर प्लस VCC शो करते हैं और नीचे की तरफ एक लाइन लगाकर इस पर हम माइनस VCC शो करते हैं। दीज आर द biasing voltages, ठीक है। Biasing voltages असल में ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कंट्रोल करते हैं कि उनकी आउटपुट किस रेंज में ऑपरेट करेगी। आमतौर पर VCC प्लस और VCC माइनस ये सेम वैल्यू होती है, लेकिन एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में रखी जाती है। टिपिकली ये वैल्यूज होती हैं प्लस 12 वोल्ट्स और माइनस 12 वोल्ट्स। इस बात का मतलब ये है कि आपकी आउटपुट माइनस 12 वोल्ट से लेकर प्लस 12 वोल्ट के दरमियान में ऑपरेट करवा सकती है। कैसे? अगर फर्ज कर लें कि आपका पॉजिटिव एंड का वोल्टेज नेगेटिव एंड से जरा ज्यादा है, मतलब फर्ज कर लें कि यहां पर पॉजिटिव वाले पर मैंने 10 वोल्ट दिया, यहां पर 9 वोल्ट्स दिए, 1 वोल्ट का डिफरेंस है, तो ये देखें 10 - 9 डिफरेंस 1 वोल्ट का आएगा। 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 10^5 आउटपुट तो आपकी तकरीबन 100,000 वोल्ट पर जाने की कोशिश करेगी, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसको लिमिट करेगा। और मैक्सिमम देखे वो पॉजिटिव 100,000 वोल्टेज पर जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर ने मैक्सिमम पॉजिटिव कितना अलाउ किया है, प्लस 12 वोल्ट्स, तो आउटपुट प्लस 12 वोल्ट्स पर आकर प्लस VCC के इक्वल आकर सेट हो जाएगी। बेटा एक और बात याद रखिएगा, जो प्लस VCC और मैंने माइनस VCC की वैल्यूज लिखी हैं ज्यादातर यही इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा यही इस्तेमाल होंगी। प्लस 9 माइनस 9 भी ले सकते हैं, प्लस 5 माइनस 5 भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये इस्तेमाल होती हैं, ठीक है जी। तो ये कोई एक कन्वेंशन आप कह सकते हैं, असूल नहीं है कि हमेशा यही वैल्यू होंगी, ठीक है जी। इसके बाद अगर दूसरा केस मैं कंसीडर करूं कि नेगेटिव वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज से ज्यादा हो जाए, मतलब यहां पर माइनस 10 है और यहां पर प्लस 9 है, तो जब आप डिफरेंस लोगे 9 10 का, तो वो माइनस में आ जाएगा, आपके पास माइनस 1 वोल्ट आएगा, और माइनस 1 जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आपके पास कितनी बनेगी, माइनस 1 जब आपके पास मल्टीप्लाई होगा बेटा 10^5 के ऑर्डर से, तो आपके पास वोल्टेज आएगा -100,000 वोल्ट्स, मतलब आउटपुट -100,000 वोल्ट्स पर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसको माइनस VCC के इक्वल करके इक्वेट कर देता है, रख लेता है, सो आउटपुट आपके पास माइनस VCC के ऊपर आकर फिक्स हो जाएगी। मतलब ये जो बायसिंग वोल्टेजेस है नेगेटिव से पॉजिटिव तक, ये हमारी आउटपुट की रेंज को डिस्क्राइब करते हैं कि कितना मिनिमम से कितने मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर आउटपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर की फ्लक्चुएट कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कौन कौन सी पॉसिबल कॉन्फिग्रेशन हैं और उनको किस तरीके से आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसकी पहली कॉन्फिग्रेशन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से मुराद ये है कि आपने इनपुट के जो दो टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनमें से नेगेटिव वाले पर जब आप इनपुट अप्लाई करेंगे तो वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर बिहेव करेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर नेगेटिव इनपुट वाले टर्मिनल के साथ ही इनपुट सोर्स को कनेक्ट किया थ्रू रेजिस्टेंस R1, क्योंकि ये थ्रू रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट किया, इस वजह से R1 को इनपुट रेजिस्टेंस भी बोला जाता है सोर्स के लिहाज से। और ये R2 जो आप देख रहे हैं ये इनपुट से आउटपुट के टर्मिनल पर जाकर कनेक्ट हो रही है, इसको फीडबैक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, जो इनपुट से आउटपुट तक कनेक्ट की जाती है। और अगर आपने इनपुट नेगेटिव वाले पर दिया तो पॉजिटिव वाले को वैसे ही ग्राउंड कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव वाला जो आपके पास टर्मिनल है वो 0 वोल्ट्स के ऊपर है, ग्राउंडेड है, तो पॉजिटिव वाला 0 पर है। और अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेजेस इक्वल होते हैं, तो इक्वल होते हैं बाय ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक। और पॉजिटिव वाला अगर 0 पर है तो इनडायरेक्टली नेगेटिव वाला भी 0 पर आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को वर्चुअल ग्राउंडिंग कहा जाता है, क्योंकि दोनों के वोल्टेजेस इक्वल होने हैं, कोई एक भी 0 पर चला गया तो दूसरा इनडायरेक्टली 0 पर आ जाएगा, वर्चुअली 0 पर आ जाएगा, जिसको हम वर्चुअल ग्राउंडिंग बोलते हैं।
यहाँ पर जब हम KCL लगाकर इसके आउटपुट गेन का फार्मूला निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है आउटपुट गेन बी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। बेटा याद रखिएगा इस गेन को क्लोज लूप गेन भी बोला जाता है। क्लोज लूप क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनपुट से आउटपुट की तरफ एक क्लोज लूप मौजूद है थ्रू रेजिस्टेंस R2, और यही वजह है कि रेजिस्टेंस R2 को फीडबैक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। दिस इज फीडबैक रेजिस्टेंस, क्योंकि इनपुट से आउटपुट की तरफ या आउटपुट से इनपुट की तरफ एक फीडबैक दे रही होती है। बहरहाल इस गेन का फॉर्मूला माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1, और यहाँ से एक और बात भी पता चल रही है कि जो क्लोज लूप गेन है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता बल्कि एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंस R2 और R1 पर डिपेंड करता है। एक और बात, ये जो नेगेटिव फॉर्मूला है ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि आउटपुट और इनपुट में 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज एंगल आ रहा होगा। कैसे पता चलेगा? देखिए जब इनपुट पॉजिटिव है, इस वक्त जब मैं आउटपुट सिग्नल ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो जब इनपुट पॉजिटिव है बेटा उस वक्त आउटपुट नेगेटिव रहेगी, और जब इनपुट नेगेटिव है तो उस वक्त आउटपुट आपकी पॉजिटिव आएगी। ऐसा क्यों? इस नेगेटिव साइन की वजह से, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के दरमियान 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज आ रहा है ड्यू टू दैट नेगेटिव साइन। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीक वैल्यू कम थी, यहाँ पर मैंने आउटपुट में पीक वैल्यू ज्यादा बनाई है क्योंकि सिग्नल को गेन मिल चुका है, उसको एम्पलीफिकेशन मिल चुकी है। आइए इसको हम एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर R1 10 किलो ओम है यहाँ पर और R2 40 किलो ओम है और आप गेन निकालना चाहते हैं इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में, तो निकालने का तरीकेकार क्या होता है? द फार्मूला ऑफ गेन ओवर हियर इज माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 ओवर हियर। यू कैन सिंपली सी दिस कि R2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 40 किलो ओम्स, और R1 की वैल्यू आपके पास 10 किलो ओम्स, तो इसकी रेशियो कितनी आ जाएगी आपके पास, सिंपली -4 आ जाएगी। तो -4 इज द राइट ऑप्शन, और माइनस यहां पर इनपुट और आउटपुट में इन्वर्जन को शो कर रहा है। इसी तरीके से नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की अगर बात करूं तो बाकी सब कुछ सेम रहता है। इनपुट को अब आपने नेगेटिव वाले से उठाकर पॉजिटिव वाले पर दे देना है, क्योंकि अगर इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर बिहेव करेगा। बाकी सारी चीजें आपकी एग्जैक्टली सेम है, फीडबैक रेजिस्टेंस, R1 रेजिस्टेंस, सारी अपनी जगह पर है। यहां पर आप देख लें कि जो पॉजिटिव टर्मिनल था क्योंकि इनपुट उसके ऊपर अप्लाई किया, तो पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज भी इनपुट के बराबर है, और ये बात हम पहले कह चुके हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव का वोल्टेज आपस में भी इक्वल होना है। तो अगर पॉजिटिव वाला भी इन पर है तो नेगेटिव वाला भी इनडायरेक्टली इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो चुका होगा, क्योंकि दोनों टर्मिनल्स के, दोनों इनपुट टर्मिनल्स के वोल्टेज एग्जैक्टली सेम रहते हैं। यहां पर अगर हम क्लोज लूप गेन निकालें तो वो एक बार फिर से R2 R1 पर डिपेंड करें, 1+R2/R1 उसका फार्मूला है। और अगर ये आपके पास इनपुट वोल्टेज सिग्नल है, ये देखिए पहले हाफ में पॉजिटिव है अगले हाफ में नेगेटिव है, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव का साइन नहीं आ रहा, मतलब जब इनपुट पॉजिटिव है उस वक्त आउटपुट भी पॉजिटिव है, और जब इनपुट नेगेटिव होगी तो उस वक्त आउटपुट भी नेगेटिव हो जाएगी। तो एम्पलीफिकेशन तो मिलेगी मिलेगी दोनों हाफ्स में, लेकिन पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव, यहाँ पर किसी किस्म की कोई इन्वर्जन नहीं होगी। तो यहाँ से एक और बात पता चली कि जब आप इनपुट नेगेटिव टर्मिनल पर देते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर देते हैं, तो आउटपुट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज से आती है, उलट कर आती है, इन्वर्ट होकर आती है। लेकिन अगर आप इनपुट पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर देते हैं, जिसको आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल भी बोलते हैं, तो आउटपुट 0 फेज एंगल के डिफरेंस पर आ रहा होता है, मतलब इनपुट और आउटपुट में फेज का कोई डिफरेंस नहीं होगा, हाँ एम्पलीफिकेशन जरूर मिलेगी। आइए हम इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। R1 R2 की सेम वैल्यूज हैं, और अब आपने नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में गेन कैलकुलेट करना है। फॉर दिस गेन इट इज 1+R2/R1, वैल्यूज की पुटिंग कर ले, दिस इज 40 किलो ओम डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर 1+4 की सूरत में आएगी, विच इज 5। गेन के यूनिट्स नहीं होते बेटा, क्योंकि रेजिस्टेंसेस की या वोल्टेजेस की रेशियो की सूरत में इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसके यूनिट्स नहीं होते, ठीक है। और एक और बात यहां पर देख लें कि सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू के साथ यहां गेन 5 आई है, यहां गेन का मैग्नीट्यूड जो आया था 4 आया था। तो जो आपके पास नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसमें अगर हम गेन के मैग्नीट्यूड की बात करें, तो गेन का मैग्नीट्यूड नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में 1 यूनिट ज्यादा आ रहा होता है देन दैट ऑफ द इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।